In today's video, we will show you how you can create an estimate or how you can take order from your customer. Then how can you convert that estimate to invoice? How can you receive the payment from customer? And if any sales return is there, how can you receive that? Right? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आप कस्टमर से कैसे ऑर्डर ले सकते हैं जिसके लिए आपको एस्टिमेट जनरेट करना होता है, कैसे उस एस्टिमेट को इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर कन्वर्टिंग दैट इनवॉइस, आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और अगर कोई सेल रिटर्न है तो आप वो कैसे बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम ऑर्डर रिसीव करेंगे, तो हमें ऑर्डर रिसीव करने के लिए ट्रांजेक्शन में जाना है. ओके, वी विल रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. फॉर दैट वी हैव टू गो टू ट्रांजेक्शन. यू विल गेट वन ऑप्शन एस्टिमेट. ओके, जस्ट क्लिक ऑन एस्टिमेट, यू विल गेट वन ऑप्शन क्रिएट. आपको एस्टिमेट पे क्लिक करना है एंड देन क्रिएट पे क्लिक करना है. ओके, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमर ऑब्लिक डेटर एंड एड आइटम. सो यू हैव टू सेलेक्ट योर कस्टमर. आपको यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है जिससे आपको ऑर्डर आया है. तो कस्टमर है हमारा मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. नाउ वी विल ऐड द आइटम दैट वी आर सेलिंग टू हिम. ओके, सो दिस इज द आइटम ही हैज गिवन ऑर्डर ऑफ सपोज 10 पीसेज फॉर दिस आइटम. ओके, सो वी आर गिविंग हिम एस्टिमेट लाइक दिस मच अमाउंट विल बी चार्ज फॉर द 10 आइटम्स. अब हमारे को इस कस्टमर से, मनोज इलेक्ट्रॉनिक से एक ऑर्डर आया कि आप मेरे को एक रफ आइडिया दे दो, एक एस्टिमेट दे दो कि आपका टोटल अमाउंट कितना है 10 प्रोडक्ट्स का. तो हम उसको 10 प्रोडक्ट्स ऐड करके सेव करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आइटम ऐड हो गई है, टोटल वैल्यू आ गई है एंड वी विल सेव द वाउचर. नाउ वी विल व्यू हाउ द वाउचर लुक्स. ओके, यू नीड टू लेफ्ट स्वाइप, क्लिक ऑन मोर एंड क्लिक ऑन व्यू एस्टिमेट. ओके, सो दिस इज आर एस्टिमेट, राइट, द ऑर्डर दैट द कस्टमर हैज गिवन टू अस, मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स. ये हमारा एस्टिमेट है जो ऑर्डर हमारे को मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला है. ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ऑर्डर टू इनवॉइस. सपोज वी हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू कस्टमर एंड नाउ ही इज आस्किंग फॉर इनवॉइस. हमने अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट था वो डिलीवर कर दिया, अब वो इनवॉइस के लिए बोल रहे हैं. तो आपको यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करना है, एस्टिमेट पे, मोर पे क्लिक करना है एंड मेक इनवॉइस पे क्लिक करना है. यू हैव टू लेफ्ट स्वाइप ऑन एस्टिमेट. ओके, एंड क्लिक ऑन मेक इनवॉइस. ओके, दिस विंडो विल गेट ओपन. कस्टमर विल बी सेलेक्टेड डिफॉल्ट एंड आइटम विल बी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. यू कैन चेक ओवर हियर, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, आइटम सेलेक्टेड होगी. अगर आपने कोई अदर चार्ज ऐड ऑन करना है, डिलीवरी चार्ज और एनी अदर चार्ज, यू कैन ऐड इट फ्रॉम हेयर. ओके, एंड एज यू कैन सी इन नरेशन यू आर गेटिंग सेलर एस्टिमेट रेफरेंस, राइट. तो यहाँ पे आपको सेलर एस्टिमेट रेफरेंस भी आ जाएगा. और अगर आपको कुछ अदर चार्ज ऐड करना है तो आप अदर चार्ज पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट सेव दिस वाउचर एंड व्यू. एंड एज यू कैन सी द वाउचर हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट द कस्टमर एंड दिस इज द टोटल अमाउंट एंड दिस इज द इनवॉइस, राइट. नाउ योर कस्टमर इज पेइंग यू द अमाउंट अगेंस्ट योर इनवॉइस. ओके, सो वी नीड टू गो टू ट्रांजेक्शंस. वी विल गो टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड वी विल क्लिक ऑन क्रिएट. आपके कस्टमर ने आपको जो अपने इनवॉइस बनाया था उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी. ठीक है, तो हम सपोज कि रिसीव्ड इनटू में जाएंगे एंड रिसीव्ड इनटू में हम लोग यहाँ पे सपोज बैंक में उसने हमारे को पे किया. रिसीव फ्रॉम द पर्सन यू हैव रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम, जिस पर्सन ने आपको पेमेंट किया है. तो मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें पे किया है. ओके, रिसिप्ट अगेंस्ट इनवॉइस में जाएंगे हम, जो कि हमें सेट ऑफ करनी है, राइट. तो यहाँ पे आपको वो वाउचर शो होगा, यू विल गेट द वाउचर दैट यू हैव क्रिएटेड अगेंस्ट दैट कस्टमर, राइट. सो वी विल क्लिक ऑन दिस, अमाउंट विल कम ऑटोमेटिकली. ओके, वी कैन एंटर द अमाउंट दैट ही हैव पेड टू अस. सपोज ही हैज पेड 3 लाख रुपीज. ओके, सो वी विल एंटर 3 लाख एंड वी विल सेव इट. ओके, 3 लाख इज कमिंग ओवर हेयर बट इनवॉइस वैल्यू वॉज 3,68,6,800. जो वाउचर की वैल्यू थी वो 3,06,800 थी, सॉरी इट्स 30,06,800. ओके, सो हमने अभी जो कस्टमर से रिसीव किया है वो रिसीव किया है 30 लाख. ओके, नाउ हम
We will save this voucher and we will view the receipt. We will click on receipt from customer, click on view, and we will view the receipt. So as you can see, 30 lakhs is coming over, 3 lakhs is coming over here, and let's see the balance of the account, customers. And as you can see, Manoj Electronics spending amount is 6,800 rupees, right? So we can even check the ledger report of the customer. And as you can see, the closing balance is 6,800. So we need to take 6,800 more from the customer, right? Suppose now he has done some sale return to you, okay? So a product was not good or it was defective, or he has some deducted some amount. Suppose कि जी आपके customer ने आपको sale return किया, suppose आपका जो product था उसमें कुछ defect था जिसकी वजह से उसने कुछ पैसे deduct कर लिया या उसने पूरा product return कर दिया, तो आपको transactions में जाना है. यहाँ पे एक option है create credit note और sale return. Click on this and click on create credit note और sale return वाले option पे click करके आपको उस create पे click करना है. कस्टमर, आपको वो कस्टमर सेलेक्ट करना है जिससे सेल रिटर्न आया है, ठीक है? अगर कोई आइटम रिटर्न हुई है तो ऐड आइटम में जाके आप यहाँ से आइटम ऐड कर सकते हैं, तो ओके. और अगर आइटम रिटर्न नहीं हुई है, खाली जो अमाउंट है, अमाउंट रिटर्न हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हैं, सपोज 6,800, ओके. एंड आप इस वाउचर को सेट ऑफ अगेंस्ट इनवॉइस पे क्लिक करके, यू कैन क्लिक ऑन सेट ऑफ अगेंस्ट इनवॉइस एंड यू कैन set off the invoice against this voucher, okay. You can set off sales return against this voucher INV1. Click on done. आपको यहाँ set off against invoice पर click करना है. जो amount आपको यहाँ पे voucher show रहा है, आप उस voucher के against set off कर सकते हैं. आप done पे click करेंगे and save करेंगे तो ये voucher create हो जाएगा, right? Now let's see how voucher looks like. ये हमारा sales return का voucher आ गया, जो 6,800 rupees हमारे को हमारे customer ने return कर दिया, ठीक है? अब हमने उसको उसके अमाउंट दे दिया. सो वी विल चेक अकाउंट्स. मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस इज जीरो, ओके. वी विल चेक द लेजर रिपोर्ट, ओके. सो क्लोजिंग बैलेंस इज जीरो. वन इनवॉइस वाज जनरेटेड अगेंस्ट हिम, ही हैज पेड इट अगेंस्ट द रिसिप्ट, एंड वन सेल्स रिटर्न इज मेड अगेंस्ट हिम, राइट? सो एज यू कैन सी, द सेल्स वाउचर विल बी मार्क्ड एज पेड, ओके, रिसिप्ट, एंड वन सेल्स रिटर्न इज मेड and the amount is zero. जो हमने voucher बनाया था sale का, वो पूरा mark as paid हो गया है. उसके against एक receipt है and एक sale return है, okay? So आज की video में हमने देखा कि आप कैसे अपने customer से order ले सकते हैं जिसके लिए आपको estimate generate करना है, कैसे आप उस estimate को invoice में convert कर सकते हैं, after converting that invoice to estimate to invoice, how you can receive payment against that invoice, and if any sale return is there, how you can set off that sale return against the invoice, okay. If you still face any query, you can call us on 9999176746, and if you want to write us a mail, you can mail us at support@bookkeeperapp.net. Thank you.